फाइनली ट्रेन पे मैं आ चुका हूँ, पर इसमें लेडीज एग भी नहीं है यार, मज़ा नहीं आएगा सफ़र में आज। दूसरा बोगी में जाके देखता हूँ। अरे इस बोगी में तो फूल ही फूल भरे हैं, काश कोई दूसरा फूल। ये कौन सी फूल है यार, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये, कितनी ऑसम है यार। का इधर ही देख रही है, आओ देख, मेरे को ही देख रही है। मैडम जी कुछ कुछ हो रहा है, इतना सामने मत आइए। हाँ ऐसा बात है, कोई बात नहीं मैडम जी। एक खोल कह रहे हैं आप, हाँ खोल कह रहे हैं। अरे मजा आएगा, अब मजा आएगा काफी ज्यादा। हाँ कौन हो? कमर में बांध ली। हाँ अरे मेरे तरफ पकड़ा के कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है पकड़ा के? ट्रेन से सीधा भाग, मेरे से नहीं होगा यार, तुमको संभालना नहीं से मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। अभी छोड़ दूंगा तो पूरा गिर जाएगी नीचे, ट्रेन से बाहर चल जाएगी, जैसे मेरा कपड़ा भी फटा हुआ है। गया, गई ट्रेन से सीधा नीचे गई, इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं, मैंने पहले ही कहा था कपड़ा फटा। साथियों स्टार्टिंग में आप जिस वाले वीडियो को क्लिप को देखें, इस वीडियो को दोस्तों बनाने के लिए आज मैं काइन मास्टर ऐप का यूज़ करने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, जो काइन मास्टर के अंदर जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको ओपन करके मैंने रखा है। आपको दोस्तों इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना होगा। देन गाइस जैसे आप प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर एक पासवर्ड डालने बोलेगा, जो पासवर्ड दोस्तों मैं इसी वाले वीडियो के अंदर कहीं दे दूंगा। आप दोस्तों वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाला जो पासवर्ड है इसको आपको ओपन करना होगा, यानी फाइल को आपको ओपन करना है प्रोजेक्ट को। अभी आप अपना वीडियो को प्ले कीजिएगा और प्ले करके गाइस आपको यहाँ पर जो फर्स्ट बार आपको बैकग्राउंड दिखता है इस जगह पे आपको यहाँ पर आना होगा। आने के बाद गाइस यहाँ पर आप लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से दोस्तों अभी अपना जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप में गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक्टिंग करके आपको यहाँ पर वीडियो को शूट करना होगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। करने के बाद दोस्तों अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो वीडियो है इसको मैंने यहाँ पे किसी एक करके दीवार के सामने जाकर वीडियो को शूट किया है। तो आप भी दोस्तों अपने सारे वीडियो को किसी एक करके दीवार के सामने आप जाइएगा, मतलब शूट कीजिएगा। करने के बाद दोस्तों आपको जो बैकग्राउंड यानी दीवार है उसको रिमूव करने के लिए क्रोमाकी वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर जो की कलर है जिस भी कलर का दीवार होगा उस वाले कलर को सेलेक्ट करके इसको आपको इनेबल कर देना है, और कुछ इस टाइप से थोड़ा बहुत इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। देन कुछ इस टाइप से इसको बढ़ा करके आपको यहाँ पर बीचों बीच में रखना होगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो वीडियो यहाँ पर मेरा पार हो जा रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है, बाद में गाइस आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। अभी दोस्तों अपन जो फर्स्ट बैकग्राउंड का ड्यूरेशन जितना रहेगा, जैसे ये रहा बैकग्राउंड, इसका ड्यूरेशन जितना है अपने फर्स्ट वाले क्लिप का ड्यूरेशन को दोस्तों आपको उतना ही रख के बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ पर ट्रिम करके हटा दीजिएगा। अब साथियों ये जो ट्रेन वाला वीडियो इसको आपको छोड़ देना है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। अभी अपना जो सेकंड वीडियो है उसको आपको यहाँ से ऐड करना है इस जगह पर। आकर गाइस आप यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन में जाइएगा, मीडिया के ऑप्शन पर सिलेक्ट करके यहाँ से अभी अपना जो सेकंड वीडियो है उसको आपको सिलेक्ट करना है। और सेकंड वीडियो गाइस आपको वहाँ पर सेम जिस तरह से अपना स्टेप वन में वीडियो शूट किए थे उसी तरह से गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इधर उधर देख के अपना वीडियो को यहाँ पर शूट कीजिएगा। देन गाइस इसमें भी आपको इसका जो बैकग्राउंड है आपको सबसे पहले रिमूव करना होगा। रिमूव कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इसको आपको एरो में पकड़ के अपने हिसाब से इसको आपको यहाँ पर बड़ा करना है। देन गाइस जहाँ पर आप फूलों बग्गे का ड्यूरेशन जितना रहता है जस्ट गाइस इतना ड्यूरेशन इसका रख के बाकी एक्स्ट्रा पार्ट गाइस आप यहाँ पे ट्रिम करके हटा दीजिएगा। हटाने के बाद साथ ही वो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर पूजा हेगड़े दिखती है, देख सकते हैं इस जगह पर दिख रही है। सो गाइस आपको यहाँ पर इस जगह पर आना है, जहाँ तक आपका बैकग्राउंड है नीचे पर आप आओगे तो आपको गाइस यहाँ पर एक बैकग्राउंड दिखेगा, यहाँ तक गाइस आपको आना होगा। लेयर पर आप यहां पर क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाले ऑप्शन में जाके यहां से दोस्तों अभी आपने जो तीसरा रिकॉर्डिंग किया फाइल है उसको आपको सेट करना है। तो तीसरा फाइल गाइस मैं यहां पर कुछ इस टाइप से शूट किया हूं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। करने के बाद दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का भी जो बैकग्राउंड है आपको यहाँ पर रिमूव करना होगा। करने के बाद दोस्तों ये जो वीडियो है तीसरा वाला इसको आपको गाइस आपको हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो कुछ इस टाइप से इसको मैं पहले बड़ा करके बीचों बीच में यहाँ पर रखता हूँ। रखने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वाला क्लिप है, तो गाइस आपको यहाँ पर जस्ट इतना में आना होगा। यहाँ पर आपको एक बार कट लगानी है, ठीक है, यहाँ पर आपको कट लगाइएगा। कट लगाने के बाद दोस्तों आपको इस वाला फाइल में आपको यहाँ पर आना होगा। यहाँ से गाइस वापस से इस जगह से इसको ऐड कीजिएगा। देन इसका जितना ड्यूरेशन रहेगा क्लिप का इसका ड्यूरेशन को उतना रख के बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप वापस से यहाँ पर स्प्लिट कीजिएगा। देन गाइस वापस से आपको यहाँ पे नीचे वाले बैकग्राउंड में आना होगा। देन यहाँ से अभी आपको
इस वाले वीडियो को ऐड कर देनी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐड करने के बाद दोस्तों वीडियो को आपको यहाँ पर प्ले करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर इतना दूर तक गाइस आप अपना वीडियो को यहाँ पर प्ले कीजिएगा, और प्ले करके गाइस अभी आपको यहाँ पे अपने जो नेक्स्ट वाला वीडियो इसको आपको ऐड करना है, जो कि दोस्तों मैं आपको जहाँ से दिखाऊंगा वहाँ से ऐड करिएगा, ठीक है। पहले आप यहाँ पे वीडियो को प्ले कीजिएगा, देन यहाँ से अभी आप जो खड़े होकर वीडियो शूट किए थे इस जगह से आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। इस जगह से अगर मैं आपको नीचे में दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड मिलेगा, इस जगह से आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों अभी लेयर पर क्लिक करके मीडिया में जाके अभी आपको अपना जो फोर्थ वाला वीडियो है, जैसे तेरा हमारा फोर्थ वीडियो जिसको दोस्तों मैंने खड़े होकर शूट किया था, सो गाइस इसको मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। कुछ स्टेप से मेरा वीडियो है, ठीक है, इस स्टेप से है। इसको आपको बैकग्राउंड का रिमूव करने के लिए सेम आप क्रोमाकी वाले ऑप्शन में जाके आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, और कुछ इस टाइप से आपको छोटा करना है, इस जगह पर आप इसको खड़ा कर दीजिएगा इस टाइप से। देन गाइस यहाँ से अभी आपको अपना वीडियो को प्ले करना है। अब मैं थोड़ा छोटा हो गया यार, हिसाब से थोड़ा बड़ा करना है। कुछ स्टेप्स, ठीक है। अभी इसका ड्यूरेशन जितना रहेगा इसका भी ड्यूरेशन को उतना रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को अभी हटा लेना है। अभी गाइस यहां से अभी अपना जो नेक्स्ट वाला वीडियो इसको सिलेक्ट करना है, और इस वाले क्लिप को गाइस आपको अपने जो कैमरे का एंगल होगा ना उसको नीचे से ऊपर तरफ हल्का कीजिएगा। देख सकते हैं यहां पर मेरे कैमरे का एंगल जो है नीचे से ऊपर तरफ है, तो इस तरह से गाइस अपना जो वीडियो इसको मतलब आप सिलेक्ट कीजिए, मतलब शूट कीजिएगा कुछ स्टेप से कैमरे से थोड़ा ऊपर तरफ आप यहाँ पर करके। देन इसमें भी गाइस इसका जो बैकग्राउंड आपको रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड को रिमूव कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको ये थोड़ा कुछ स्टेप्स इसको बड़ा कीजिएगा। देन इस साइड में इसमें फेस टू फेस आप इसको यहाँ पे स्टेप्स इसको आपको यहाँ पर रख लेनी है। देन गाइस अभी आपको इसका जो ड्यूरेशन है जस्ट इतना ही रखना है जितना पूजा हेगड़े का वीडियो है, इतना ही रखें, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ पर ट्रिम करके हटा लीजिएगा। देन गाइस वीडियो का अभी आपको यहाँ पर प्ले करना होगा। यहाँ से अभी आपको अपना जो नेक्स्ट वाला क्लिप है उसको आपको ऐड करना है। नेक्स्ट क्लिप गाइस आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से शूट कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से शूट किया हूँ। सो गाइस आपको भी यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट क्लिप है इस तरह से आपको यहाँ पर शूट करना होगा, और इसका भी गाइस जो वीडियो का बैकग्राउंड है आप यहाँ पर रिमूव कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से बड़ा करके इसको आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। देन नीचे में आप आइएगा तो देखिएगा तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड है, जितना इसका बैकग्राउंड का ड्यूरेशन है जस्ट फाइल को आइएगा, यहाँ पर आपको एक बार कैंची वाला ऑप्शन में जाके स्प्लिट कीजिएगा, ठीक है। वापस से नीचे में आना है, यहाँ से इसको आपको ऐड करना है इस जगह से, इसका ड्यूरेशन को जस्ट इतना रखिएगा, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ पे ट्रिम करके हटा दीजिएगा। अब वीडियो को आपको यहाँ पर प्ले करना है। देख सकते हैं यहाँ पर पूजा हेगड़े खोल रही है अपना ड्रेस, ठीक है, अपना ऑलरी खोल रही है, तो इस जगह पे आपको यहाँ पर आना है, नीचे में आइएगा इस जगह पे। देन नेक्स्ट जो क्लिप है आपको थोड़ा शैतानी टाइप का दिखाना है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये रहा क्लिप, ये रहा देख सकते हैं मेरा क्लिप है। तो इसमें भी सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है आपको यहाँ पर क्रोमाकी में जाके इसको रिमूव कर लेना है, थोड़ा बहुत कुछ इस तरह से अपने हिसाब से यहाँ पर इसको बड़ा कीजिएगा। देन इससे जो पिलर है ना पिलर के सामने रखिएगा, इसको रखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो पिलर है इस वाले थ्री डॉट पर क्लिक करके बिंग टू फंड आप यहाँ पर कीजिएगा। यहाँ पर पिलर देख सकते हैं ऊपर में आ चुका है। देन जितना इस वाले क्लिप का ड्यूरेशन रहेगा, ऊपर वाला जो वीडियो का ड्यूरेशन है, जस्ट यहाँ पर आपको आपको कट लगानी है, ठीक है। कट लगाने के बाद दोस्तों वीडियो को वापस से आपको प्ले करना होगा। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आके जो ये वीडियो है इसको आपको यहाँ से ऐड कर देना है। देन वीडियो को वापस से अभी आपको प्ले करना होगा, और इसमें भी जो प्लेयर है प्लेयर पे आप क्लिक करके थ्री डॉट में बिंग टू फंड आप यहाँ पर कीजिएगा। अभी आपको यहाँ पे जो ये वाला क्लिप है, जैसे यहाँ पर कपड़ा को बांध रही है ना, कपड़ा को यहाँ पर बांध रही है, यहाँ पर बांध रही है, तो वापस से गाइस यहाँ पर जो आप खड़े होकर जो वीडियो यहाँ पर ऐड किए थे ना, हाँ ये रहा वीडियो, ठीक है। इसको आप एक डुप्लीकेट बनाइएगा, जिस डुप्लीकेट को गाइस पकड़ के आप जहाँ से वो वाला छोड़े थे उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, मतलब कहाँ पे खड़ा है कमर में बांधिए इस जगह पे, ठीक है, इस जगह से आपको इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, और कुछ स्टेप से बड़ा करके इसको आपको इस जगह पर रखना होगा। यहाँ पर अगर मैं आपको वीडियो को प्ले करके देखाऊँ, देख सकते यहाँ पर कपड़ा फेंकती है, ठीक है, जस्ट इतना में आके बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ पर हटा लीजिएगा। अब साथियों यहाँ से अभी आपको अपना जहाँ पर आप कपड़ा पकड़े हो
उस वाले वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पर आप कपड़ा पकड़ने का मतलब एक बंदे को बोलिएगा कि कुछ इस तरह से भाई मेरे तरफ एक कपड़ा फेंक इस तरह से, और कपड़ा को पकड़ना है और कुछ इस तरह से खींचने की एक्टिंग करके आपको यहाँ पर वीडियो को शूट कीजिएगा। देन एंडिंग पेज में जाके आपको कपड़ा को यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर जिस प्रकार से दिखाया है सेम टू सेम आपको यहाँ पर कर लेना है। अभी दोस्तों स्टार्टिंग में जहाँ से आप कपड़ा पकड़ते हो हाथ में इस जगह पर, ठीक है, पकड़ लिया इस जगह पर, आप यहाँ पर आके अगर जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा तो गाइस इसको आप यहाँ पर ट्रिम करके हटा लीजिएगा। देन ये जो फाइल है इसको आपको यहाँ से ऐड करना है इस जगह से कुछ इस टाइप से। देन वीडियो का बैकग्राउंड आप सेम क्रोमाकी में जाके आप इसको भी रिमूव कर लीजिएगा यहाँ पर कुछ इस टाइप से। थोड़ा इसको बड़ा आप मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर फिर से एक प्लेयर मिलेगा, इस पर आप थ्री डॉट पर क्लिक करके बिगिन टू फंड आप यहाँ पर कीजिएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर वीडियो का प्ले करके आपको दिखाऊँ जैसे कपड़ा फेंका तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर कपड़ा को पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा और मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पर मेरा हाथ वो साइड वाला जो पार्ट दिख रहा है तो इसको मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से इतना बड़ा इसको यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। देन इस साइड में इसको यहाँ पर घिसका देता हूँ। देन अभी आपको इतने इसमें इसका एक बार क्लिप आके आपको यहाँ पर एक कट लगानी है, और यहाँ पर आप पर एक बार आइएगा आकर दोस्तों इसको आपको यहाँ से ऐड कर देनी है, ठीक है। अभी आप इसमें भी आइएगा तो आपको यहाँ पर पिलर मिलेगा, पिलर पर क्लिक करके बिंग टू फंड आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों वीडियो को आपको प्ले करना होगा कुछ इस टाइप से, देख सकते हैं यहाँ पर बाहर चली गई है। तो गाइस आपको यहाँ पे आके फाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका ऐड होता है फाइल नीचे में देखिएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं गाइस। तो आपको इसको यहाँ से ऐड करना होगा, देन आप यहाँ पे प्लेयर पे क्लिक करके इसको बिंग टू फंड आप यहाँ पर कीजिएगा। अभी वापस से आपको अपना वीडियो को प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो जा रहा है उसका टेंशन मत लीजिए आप, देखिए यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर पूजा हेगड़े गिर गई है ना। अभी आपको यहाँ पे इस जगह से आपको आना होगा, इस जगह पे आके लाइन लेयर पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाले ऑप्शन में जाइएगा और लास्ट वाला जो क्लिप है आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर शूट करना है कुछ स्टेप से, देख सकते हैं यहाँ पर देख के इस तरह से मैं शूट कर रहा हूँ। सेम टू सेम आपको यहाँ पर कर लेना है। देन सबसे पहले आपको अपने वीडियो का जो बैकग्राउंड है गाइस आप यहाँ पर रिमूव कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करके इस जगह पर इसको आप यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। थोड़ा मतलब ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो इतना बड़ा नहीं करना आपको, इतना बड़ा करके आप यहाँ पर आइएगा। आने के बाद दोस्तों नीचे में आओगे तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर बिंग टू फंड आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। लीजिए आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी गाइस आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं दो ब्लैक बैकग्राउंड है इस पर आपको फर्स्ट वाला में क्लिक करना है, यहाँ पर आप बिंग टू फंड में कीजिएगा। ऊपर वाला जो बैकग्राउंड है इस पर आप क्लिक करके बिंग टू फंड आपको यहाँ पर कर देना है। अभी अगर दोस्तों मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से वीडियो दिखेगा, देख सकते हैं। अब गाइस इसको आपको सिनेमेटिक लुक देने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा और कुछ इस प्रकार से पहले इसको फुल स्क्रीन में कीजिएगा, सॉरी स्टार्टिंग से आप इसको लाइएगा, ठीक है। लाने के बाद ब्लेंडिंग में जाके अभी ओवरले को सेट करके कुछ इस प्रकार से 20 आप इसको यहाँ पर कर दीजिएगा। देन इसका जो ड्यूरेशन है जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन है दोस्तों आप इतना आप यहाँ पर कर लीजिएगा। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पर फाइनल तरीके से बन चुका है। तो साथियों इस प्रकार से आप इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप वीडियो का लाइक करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसे ही एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।